जय स्टूडेंट साफ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट उनके लिए आज के इस वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स टूडेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच वी डिस्कस हियर इज लाइक एज इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट डिस्जॉइंट सेट्स। We have given here two finite disjoint sets such that number of elements in their union, that is number of elements in A union B equal to 475. उनके union set में हमारे पास given है 475 elements and the number of elements in A is 435. Taking this as two disjoint sets, it is A, इट इज बी, ये दो गिवन सेट्स। ये स्टूडेंट हमारे पास ये दो गिवन सेट्स है। वी हैव हियर दिस आर डिसजॉइंट डियर स्टूडेंट्स, इनके यूनियन सेट में हमारे पास गिवन है 475। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियो ऑफ माय चैनल डियर स्टूडेंट्स, वहां आप उसको देख सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड द यूनियन एंड यूनियन सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। यूनियन सेट की अगर बात होगी तब जाके इसमें ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स और इस सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में होंगे एंड दैट पर्टिकुलर सेट कंटेन्स 475। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज हियर 475, ये हमारे पास गिवन है। And number of elements in A is 435. मान ले ये A है और ये B है, इसमें है 435, हमें इसके एलिमेंट्स चाहिए। डियर स्टूडेंट ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसके एलिमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, इसके एलिमेंट्स क्यों होंगे। जैसे क्वेश्चन होगा यू कैन इजिली गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन कंडीशन है इफ वी हैव डिसजॉइंट सेट्स सिंपली सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, जो गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे विद किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन, जो यूनियन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सब्ट्रैक्ट उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, जो गिवन सेट के एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ए के एलिमेंट्स गिवन हो या बी के एलिमेंट। अगर ए के एलिमेंट्स गिवन है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर बी के एलिमेंट्स गिवन होंगे वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इफ ए बी आर डिसजॉइंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। Taking this in left side, इसके element is 475 है, इसके element is in number of elements in union में 475 है, number of elements in A is minus 435, as it goes in left side, it is equal to number of elements in B, which is clearly 5 में से 5 is 0, 7 में से 3 that is 4. 40 is the correct answer. Dear students, see here the first option, A part is the correct option of this question. Now, second objective you have, we have here if A and B are two finite sets. Again, we have given two finite sets. Lekin disjoint, yahan pe condition nahi hai. Such that number of elements in A intersection B is 12. Intersection set mein 12 elements hai. That is, if we have A, B, this, say B, B, this set, A, B, this set. ये ए है ये बी है, ये हमारे पास दो गिवन सेट से इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट यहां पे है बीच में, इसमें 12 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी ये सेट है यहां से होके यहां, ये ए माइनस बी इट कंटेन्स 24 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, बी माइनस ए ये सेट है इट कंटेन्स हियर 45 एलिमेंट्स। We have to find number of elements in B. Number of elements in B.
यहाँ इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस तरह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे और ए माइनस बी और बी माइनस ए के एलिमेंट्स गिवन होंगे, कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इजीली वी कैन फाइंड। सिंपली एड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू, ए इंटरसेक्शन। ये वेल नोन फार्मूला है, क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी दैट इज 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन दैट इज 12, इस इन दोनों का सम दैट इज 6, 4 2 6 दैट इज 3 36. Dear students, we have here number of elements in A set. We have 36. Now see here, dear students, we have here number of elements is 53. यहाँ पे A के elements हमने ले लिए 59, 57. तब जाके none of these. If we have to find number of elements in A. Now if we have to find number of elements in B. यहाँ पे B के लिए objective था. Number of elements in B, that is always equal to number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B. Now see dear student, we have here, this is number of elements in B minus A, it is 45 plus number of that is 12, it is equal to 5 plus 2 that is 7, 4 plus 1 that is 5, 57. Clearly then C part is the correct solution if we have to find number of elements in B set. Now dear students, now in third objective जो है हमारे पास, now see dear students, we have here if A and B are two finite sets, again we have two finite sets such that n of A is 115 elements and n of B contains 326, n of A minus B is 47 and then n of A union B हमें देखना है। We have here A, taking this as A, taking this as B. We have given number of elements in A. A यहाँ है, ये सारा है, यहाँ से हो। It contains 115 elements. B में, B ये set है, यहाँ पे मैंने ये छोटे-छोटे circles डाल दिए। ये B set है। इसमें हमारे पास है 326, a माइनस बी, a माइनस बी जो है, a माइनस बी इट इज जस्ट दिस सेट, ये वाला सेट, इसमें हमारे पास 47, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये इस तरह भी क्यों होगा, वी हैव गिवन b माइनस a के एलिमेंट्स आपके पास है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन। अगर A यूनियन B के एलिमेंट्स हमें देखने होंगे यहाँ पे, सिंपली वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, दीज एलिमेंट्स हमारे पास है, ये एलिमेंट्स 47 है इसके, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इज 326, ये वाले एलिमेंट्स इसको ऐड कर, दैट इज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये आपके पास, यहां अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये दो फार्मूला। चाहे आपके पास यहां पे हमारे पास ए माइनस बी गिवन था, ए माइनस बी गिवन था एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी गिवन था, सिंपली वी हैव एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ए गिवन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वो हमारे पास है, यूनियन के एलिमेंट्स चाहे प्लस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो भी हमारे पास है, दैट इज 100, ए माइनस बी कंटेन्स 47 एलिमेंट्स, देयरफॉर 47 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी हमारे पास है 326, 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13,
2 plus 4, 6, 7, that is 3. 373 is the correct option. That is second part is the correct option. Dear students, इस तरह एक इन objectives का solution आप complete हो गया. इससे पहले कि वीडियो का इत्तेहाम कर ले dear student, subscribe my channel ताकि आने वाली हर next video आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें. Dear students, also in next lecture we discuss some most important objectives from the same topic application on sets. Thank you. Have a nice day.